हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टूपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिर। ठीक है, मंदिर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जहां पे आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मंदिर कहाँ पे है या फिर इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है मंदिरों से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो आज जो है हम सारे क्वेश्चन देखें, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं, पहले जो है जो इम्पोर्टेंट मंदिर है उनसे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे और फिर एक कंप्लीट लिस्ट देखेंगे कि कौन सा मंदिर किस राज्य में स्थित है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने बाकी की वीडियो स्टैटिक जीके की नहीं देखी है वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि टॉपिक वाइज जो हम स्टैटिक जीके करते जा रहे हैं और जिस वीडियो में पॉसिबल होगा उसमें हम जो है 3 से 4 टॉपिक भी जो है एक साथ कवर करेंगे। अदरवाइज 1-1 टॉपिक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, वो हम जो है कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाए फिर जो बाकी के टॉपिक बचेंगे उसे एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है। तो भारत के प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं हम, तो हिंदू देखिए भारत के जो मंदिर है वो 3 शैलियों से निर्मित माने जाते हैं। वैसे मोस्टली जो है 2 ही शैली के जो है मिलते हैं मंदिर, एक नागर शैली के और दूसरे हैं द्रविड़ शैली के। नागर शैली के जो मंदिर मिलेंगे ये आपको मिलेंगे उत्तर भारत में। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे? उत्तर भारत में मिलेंगे। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको दक्षिण भारत में। ठीक है, कहाँ पे मिलने वाले हैं? दक्षिण भारत में मिलने वाले हैं। ओके, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मतलब 3 शैलियाँ मिलती हैं, जहाँ पे एक और शैली का नाम आता है वेश्या शैली, जो कि नागर और द्रविड़ की जो है मिलीजुली सी जो है मानी जाती है, मतलब इन दोनों के मिलकर बनी है वेश्या शैली। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको 2 ही शैली के देखने को मिलते हैं, नागर और द्रविड़। ये आपको याद रखना है कि नागर उत्तर भारत की जो मंदिर है वो नागर शैली पर बेस्ड है और दक्षिण भारत की जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली पर बेस्ड है और वेश्या शैली इन दोनों का मिला जुला जो है रूप होती है। ओके, नागर शैली से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो और देख लेते हैं एक बार। इसमें पूरा ये आप देखेंगे तो नागर शैली के मंदिर में क्या क्या होता है, एक गर्भगृह होता है, शिखर होता है, कलश होता है, आमलक होता है और पीठ होती है, मतलब ये कुछ टर्म दी गई हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो हिंदू मंदिरों में मतलब हिंदू मंदिर जब भी आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। गर्भगृह क्या होता था? जो पहले के मंदिर होते थे उसमें एक छोटा सा हिस्सा होता था। ठीक है, मतलब एक उसमें प्रवेश के लिए, उसमें एंटर करने के लिए एक द्वार होता था जिसको गर्भगृह कहा जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो आकार था वो बढ़ता गया और अब जो है यहाँ पे क्या होने लगा, जो देवताओं की मूर्ति है वो स्थापित की जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि देवताओं की मूर्ति जहाँ पे स्थापित की जाती है उसको क्या नाम दिया गया है? हिंदू मंदिरों में अगर हम बात करें तो उसको क्या कहा गया है? गर्भगृह जो है उसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक तरीके का प्रवेश द्वार भी जो आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मंडप एक आता है, मंडप ये क्या होता है? मंदिर का प्रवेश कक्ष होता है। क्या होता है? मंदिर का प्रवेश कक्ष जो है होता है, जो कि क्या होता है? बड़ा होता है, मतलब जहां से हम एंटर करते हैं ओके मंदिर में, तो उसको क्या कहा गया है? मंडप जो है कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या हो सकते हैं, मतलब जो भी एरिया खाली होता है मंदिर में जाने के बाद, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आपने मंदिर में एंटर किया और पूरा मंदिर बन गया है, लेकिन जो बड़े बड़े मंदिर आप देखेंगे तो उसके आगे कुछ एरिया जो है खाली होगा। ठीक है, या फिर एक पूरा जो है एक होल तरीके का आप कह सकते हैं जहाँ पे लोग जो है इकट्ठा होते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा गया है? मंडप जो है कहा गया है, तो मंदिर का प्रवेश कक्ष कह सकते हैं और इसमें काफ़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो इकट्ठा होते हैं। ओके, और मंडप की जो छत होती है वो किस पर टिकी होती है? खंभों पर जो है टिकी होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, ओके, फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि जो भी हमारे ये मंडप थे इसके ऊपर जो है क्या बनाया जाने लगा, और मंदिर का निर्माण किया जाने लगा, जहां पे उत्तर भारत में फिर इसको क्या नाम दे दिया गया? शिखर का नाम जो था दे दिया गया। यहीं पर दक्षिण भारत में इस चीज को, यानी कि मंडप के ऊपर जो मंदिर बनाया जा रहा है, इस चीज को क्या नाम दिया गया? विमान का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है उत्तर भारत में इसको शिखर कहा जाता है तो दक्षिण भारत में इसको क्या कहा जाता है? विमान कहा जाने लगा। ठीक है, एक और वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, वाहन। वाहन क्या होता है? मंदिर के जो देवता होती हैं उसकी जो सवारी होती है उसको क्या कहा जाता है? वाहन कहा जाता है। ठीक है, वाहन को जो है एक स्तंभ या ध्वज के साथ जो है गर्भगृह के साथ कुछ दूरी पर जो है रखा जाता है। ठीक है, गर्भगृह मतलब जब प्रवेश करते हैं तो उसका जो भी वाहन होता है उसको जो है उसके पास जो है रखा जाता है प्रवेश द्वार के पास से। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आपको
याद रखनी है, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स थे जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे विमान आपसे पूछ सकता है, शिखर क्या होता है, मंडप क्या होता है, गर्भ गृह क्या होता है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को कई बार मिल जाते हैं। ओके, एक और चीज़ आपको याद रखनी है जो कि देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती हैं इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसकी जो स्टडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, इकोनोग्राफी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इकोनोग्राफी कहा जाता है, या आप इसको हिंदी में बोल लीजिए मूर्ति विद्या जो है बोला जाता है, बट ऑप्शन में वो आपको मूर्ति विद्या नहीं देंगे, इस तरीके का नाम देंगे, इसी को हिंदी में इकोनोग्राफी करके जो है आपको बोला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मूर्ति विद्या बोलेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मूर्ति विद्या इसका आंसर होने वाला है, तो ये वाली जो टर्म है इकोनोग्राफी ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, चलिए ये मैंने तीन शैली आपको बता दी हैं। वैसे भारत में दो ही शैली मानी जाती है, नागर और द्रविड़, लेकिन कुछ विद्वान हैं जो कि वेशर शैली भी को भी जो है मानते, जो कि इन दोनों का मिला जुला रूप होती है। चलिए अब बात करते हैं मंदिरों की, कौन कौन से जो है मंदिर भारत में हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैष्णो देवी मंदिर की। तो ये उत्तर भारत के मंदिर से शुरुआत करें, मतलब ऊपर से शुरुआत करें और फिर नीचे तक जाएंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है हम सारे मंदिरों को पढ़ने वाले हैं। वैष्णो देवी मंदिर की बात करेंगे तो वैष्णो देवी मंदिर जो है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कटरा में स्थित है। देखिए कहाँ पे ये जगह जो है ये इंपॉर्टेंट है, कटरा में जो है वैष्णो देवी मंदिर है, और इस मंदिर का जो निर्माण था महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में करवाया था, और भारत की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो दिल्ली से कटरा के बीच में ही चली थी। ये पॉइंट भी आपको इसमें याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, वैष्णो देवी के अलावा जम्मू कश्मीर में अमरनाथ मंदिर भी है, अमरनाथ की यात्रा सभी को पता होगा, तो वो हम आगे उसमें जो है मतलब जब पूरी लिस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, अभी सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उनको कवर करते हैं, ठीक है। फिर आता है बद्रीनाथ मंदिर। ओके, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है ये बद्रीनाथ मंदिर, आप देख सकते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, अलकनंदा नदी के पास है, ये याद रखना है, बद्रीनाथ मंदिर जो है किस नदी के पास है? अलकनंदा नदी के पास, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में है। और जो बद्रीनाथ मंदिर है, अब यहां से क्वेश्चन आता है बद्रीनाथ मंदिर किसको समर्पित और केदारनाथ मंदिर किसको समर्पित है? तो बद्रीनाथ विष्णु भगवान को समर्पित है, और बद्रीनाथ में क्या शामिल है? चार धाम जो है, मतलब बद्रीनाथ चार धाम जो होते हैं उसमें बद्रीनाथ भी जो है शामिल होता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे आता है केदारनाथ मंदिर। जैसे बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ऐसे ही केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ओके, यह मंदिर पांच पंच केदार और 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, याद रखना है। बद्रीनाथ हमने पढ़ा कहां पे है? उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के पास है, और केदारनाथ मंदिर जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पे है, और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जो है ये है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब इसमें पांच पंच केदार भी बताया है, तो वो हम देखने से पहले हम पहले चार धाम की बात करते हैं। तो चार धाम में कौन से धाम आते हैं? चार धाम आपने बहुत बार जो है अपने घरों में यूज़ करते हुए सुना होगा कि चार धाम की यात्रा करने जाना है, मतलब जो भी हमारे बड़े बूढ़े होते हैं उनके लिए कि उन्हें चार धाम की यात्रा जो है करवाएंगे, ठीक है। तो वो चार धाम कौन कौन से आते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है बद्रीनाथ का, ठीक है, जो चार धामों में शामिल है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित हो गया, उत्तराखंड राज्य में है। इसी तरीके से दूसरा जो धाम है वो है द्वारका। द्वारका जो है ये कहाँ पे है? गुजरात में है, ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। तीसरा है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है, भगवान विष्णु को समर्पित है ये भी, ठीक है। और चौथा जो है वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, भगवान विष्णु को ये है, ये शिव स्वरूप विष्णु को, ठीक है। तो रामेश्वर तमिलनाडु। तो ये हैं वो चार धाम, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। इन चार धाम की यात्रा की जो है बात की जाती है, तो ये चार धाम जो है शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए अब बात करते हैं पांच पंच केदार में। तो इसमें कौन कौन क्या क्या आता है? केदारनाथ आता है, दूसरा इसमें आता है रुद्रनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, एक होता है महेश्वर और कल्पेश्वर, ठीक है। ये पांच पंच केदार में जो है आते हैं, ठीक है। ये महेश्वर नहीं, मद महेश्वर होगा, ठीक है। केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पनाथ और मद महेश्वर, ये जो है पंच केदार में जो है आ जाते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो है केदारनाथ भी जो है शामिल है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है कौन सा मंदिर? काशी विश्वनाथ मंदिर।
काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है और काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर किस किस को समर्पित है ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये आपको याद रखना है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। और काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण है 1780 ईस्वी में जो था हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट जो मंदिर है वो है स्वर्ण मंदिर। सिखों का ये पवित्र स्थल है और पंजाब के अमृतसर में जो है क्या स्थित है, स्वर्ण मंदिर स्थित है। इसका निर्माण जो था सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन साहिब ने जो था करवाया था और इसे जो है श्री हरमिंदर साहिब या श्री दरबार साहिब भी जो है कहा जाता है, जिसका निर्माण जो था 1604 में हुआ था, ठीक। चलिए तो ये याद रखिएगा, पांचवें गुरु अर्जुन साहब ने जो था इसका निर्माण करवाया था स्वर्ण मंदिर का। नेक्स्ट जो मंदिर आता है वो आता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, देखिए दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, ये राजस्थान के माउंट आबू के पास कहाँ पर स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है। दिलवाड़ा के जो मंदिर है ये पांच मंदिरों का जो है एक समूह है जो कि राजस्थान के किस उसमें आता है, जोधपुर के निकट जो है सिरोही जिला है माउंट आबू में, उसमें जो है ये स्थित है, ठीक है। जैन धर्म के जो तीर्थकर हुए हैं उन्हें जो है ये मंदिर समर्पित है। देखिए ये रहा, ये जैन धर्म के अनुयायियों का स्थल है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो विमल शाह ने 1031 ईस्वी में जो था इस मंदिर का निर्माण जो था करवाया था, ठीक है। और विमल शाही मंदिर भी जो इसको कहते हैं। रणकपुर जैन मंदिर पाली जिले में है जिसका निर्माण दमा शाह ने जो था करवाया था, तो बस इतना याद रखिए कि विमल शाह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। कई बार जो है आपको विमल शाह ना मिलकर इसके जो दो वो माने जाते हैं, दो नाम और यहाँ से आते हैं, दोनों भाई थे वास्तुपाल और तेजपाल, ठीक है। SSC में जब क्वेश्चन आया था तो ये पूछा था कि किन दो भाइयों ने जो है दिलवाड़ा के मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो वो थे वास्तुपाल और तेजपाल, ठीक है। तो ये दो नाम भी देखने को मिल सकते हैं, विमल शाह भी देख सकता है, ठीक है। तो ये पांच मंदिरों का समूह है और इसमें ये आ जाएगा, ये याद रखना है, ठीक। ओके चलिए, और कई बार जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वहाँ पे आपको कोई नाम ना देकर वंश दे देते हैं कि चोल वंश ने या फिर चालुक्य वंश ने किसने निर्माण करवाया है, तो ये जो भाई थे दोनों ये चालुक्य राजा हुए हैं। क्या हुए हैं, चालुक्य राजा। तो याद रखना है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने जो था करवाया था और ये जो निर्माण करवाया था 1231 में करवाया था, ठीक है। ओके, तो इसमें से कुछ मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने भी करवाया था, तो वो आपको याद रखना है कि क्या नाम जो है उसमें दिया जाता है, विमल शाह दिया जाता है या कुछ और दिया जाता है। ये भाई वाला जो क्वेश्चन है वास्तुपाल और तेजपाल ये आ चुका है, चालुक्य वंश आ चुका है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना आपको। चलिए उसके बाद आता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित है सोमनाथ मंदिर और गुजरात में ये स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में जो है ये शामिल है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ मंदिर को जो है पहला ज्योतिर्लिंग भी जो है माना जाता है। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण 1950 में सरदार वल्लभ भाई के द्वारा हुआ था, क्योंकि आप सभी को पता है सोमनाथ मंदिर पर जो है कितने सारे हमले जो थे हुए थे, ठीक है। तो वर्तमान में जो निर्माण करवाया था वो सरदार वल्लभ भाई द्वारा, और 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, उस समय किसका शासन था, भीम प्रथम का जो था शासन था, ओके। और वर्तमान में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक। सारे पॉइंट इसमें से याद रखने हैं। चलिए उसके बाद आता है खजुराहो का मंदिर। ओके, गुजरात में एक मंदिर और आपको याद रखना है, वो है द्वारकाधीश का मंदिर, ठीक है। कौन सा है, द्वारिकाधीश मंदिर, ठीक है। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद द्वारका नगरी जो थी बसाई थी, तो उसी से रिलेटेड है द्वारिकाधीश मंदिर जो कि गुजरात में है, ठीक। चलिए उसके बाद आता है खजुराहो मंदिर। खजुराहो में अनेक मंदिर हैं। यह मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ये जो है खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, MP के
छतरपुर जिले में जो है खजुराहो मंदिर स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश। याद रखना, देखिए दिलवाड़ा के जो मंदिर थे वो चालुक्य थे, और खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने जो था इसका निर्माण करवाया था 10वीं और 11वीं शताब्दी में। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखिए कहाँ पे है, एमपी के छतरपुर में चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया, और साथ साथ ये यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर स्थल में भी जो है शामिल है। ओके, और जो प्रसिद्ध कंदारिया महादेव मंदिर है वो भी खजुराहो में ही है। पूछा जाता है कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में ही है ये भी। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए उसके बाद आता है सहस्त्रबाहु मंदिर। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा, जो कंदारिया महादेव मंदिर है ये एमपी में तो है ही, इसको जो है चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और कंदारिया महादेव मंदिर का जो निर्माण था ये किसने करवाया था? यशोवर्मन ने इसका निर्माण जो था करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक और मंदिर जो मध्य प्रदेश का याद रखना है, सहस्त्रबाहु मंदिर, जिसे सास बहु मंदिर भी जो है कहा जाता है। देखिए सास बहु मंदिर भी जो है इसको कहा जाता है। सास बहु मंदिर एक उदयपुर राजस्थान में भी है, और अगर सहस्त्रबाहु मंदिर ये पूछा जाए तो ये एमपी में है, एमपी के ग्वालियर में स्थित है, और ये भगवान विष्णु और शिव दोनों को ही समर्पित है, जिसका निर्माण 1093 में कच्छ पघात राजवंश के महीपाल ने जो था करवाया था। ठीक है, ये याद रखना है। एक और जो मध्य प्रदेश का मंदिर पूछा जाता है वो स्तूप पूछा जाता है, सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप जो है यहाँ पे मतलब देखेंगे तो बहुत सारे बौद्ध स्मारक है, और जो महान मुख्य स्तूप जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सम्राट अशोक ने जो था बनवाया था उसी को माना जाता है सांची का स्तूप। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी एमपी में ही है। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं जगन्नाथ मंदिर। चार धाम में मैंने बता दिए थे आपको, चारों धाम, उसी में आता है जगन्नाथ मंदिर भी, जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के पुरी जिले में जो है ये स्थित है, और यह मंदिर भगवान जगन्नाथ के साथ बलदेव और सुभद्रा को भी जो है समर्पित है। याद रखना है, भगवान जगन्नाथ के साथ साथ किस किस को? बलदेव और सुभद्रा को भी जो है ये मंदिर समर्पित है। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण, अब देखिए जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया ये भी आपको याद रखना है। गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़ गंगा ने जो था इसका निर्माण करवाया था, चोल गंगा। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोल गंगा ने जो था करवाया था, और इसी को सफेद पगोड़ा भी कहा जाता है। ओके, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोड़ा जो है कहा जाता है। ओके, कोणार्क का के जो सूर्य मंदिर है ये वाला, ये भी उड़ीसा के पुरी में ही स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के पुरी में ही स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया है। याद रखना है, किसने करवाया है? नरसिंह देव प्रथम ने जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको ब्लैक पगोड़ा जो है कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर को क्या कहा जाता है? सफेद पगोड़ा जो है कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण अनंत वर्मन ने करवाया, और ब्लैक पगोड़ा यानी कि सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने जो था करवाया था। ओके ओके, एक और चीज़ जो याद रखनी है आपको, उड़ीसा में एक और मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। लिंगराज जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है, जो कि उड़ीसा के कहाँ पे है? भुवनेश्वर जिले में स्थित है। ठीक है, और भुवनेश्वर जिले में स्थित है, और पुराने मंदिरों में से एक मंदिर जो है लिंगराज मंदिर को माना जाता है, और इस मंदिर का जो निर्माण था वो सोमवंशी राजों ने करवाया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा में है, याद रखना है, सोमवंशी राजवंश ने जो था लिंगराज मंदिरों का निर्माण जो था करवाया था। साथ में आपको याद रखना है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक अनंत वर्मन ने, और कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने जो था करवाया था, और ये तीनों ही मंदिर कहाँ पे हैं? उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है रामप्पा मंदिर। रामप्पा जो मंदिर है ये तेलंगाना में है, वारंगल जिले में स्थित है ये। ठीक है, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में वारंगल में स्थित है, और इसे रामलिंगेश्वरा मंदिर भी जो है कहते हैं। रामप्पा मंदिर को क्या कहा जाता है? रामलिंगेश्वरा मंदिर भी जो है कहा जाता है। इस मंदिर के जो शिल्पकार थे, रामप्पा पर जो है इस मंदिर का नाम जो है रखा गया है, और काकतीय वंश के गणपति देवा ने जो था रामप्पा मंदिर का निर्माण करवाया था, और 2021 में रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल करा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर। ठीक है, कौन सा है?
वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर, या आप इसको कह सकते हैं तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से आपको मिलेगा, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमाला में स्थित है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में जो है स्थित है, या तिरुमल्ला में जो है स्थित है। विष्णु का मंदिर है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। अब यह मंदिर श्री वेंकटेश्वरा या विष्णु को जो है समर्पित है। शुरुआत में इसका निर्माण तमिल शासकों ने करवाया था, और बाद में जो है इसे का निर्माण चोल शासक उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया था। याद रखना है वेंकटेश्वर तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश के शासकों ने करवाया था, ओके। इस मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुमल्ला मंदिर, सात पहाड़ियों का मंदिर भी कहते हैं। किसी भी नाम से आ सकता है, तिरुपति बालाजी मंदिर कह सकते हैं, तिरुमल्ला मंदिर कह सकते हैं, या सात पहाड़ियों का मंदिर के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, या सात पर्वतों का मंदिर के नाम भी कह सकते हैं, सात पहाड़ी कह सकते हैं, सात पर्वतों का मंदिर कह सकते हैं, ठीक है। मंदिरों में आने वाले दान के अनुसार यह विश्व का सबसे अमीर मंदिर है। कौन सा है? वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर सबसे अमीर मंदिर जो है दान के अकॉर्डिंग जो है ये माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर की हम बात कर रही हैं, तो विरूपाक्ष मंदिर ये कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक के हम्पी में ये स्थित है, और ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो था इस मंदिरों का निर्माण करवाया था, और विरूपाक्ष मंदिर भी जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देव राय। नाम याद रखना आपको, कृष्ण देव राय ने जो था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो था करवाया था, ठीक है। कर्नाटक में एक और मंदिर है, ये आप देख सकते हैं, एक विट्ठल मंदिर यहाँ पे दिया गया है। ये भी कर्नाटक के हम्पी में स्थित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। याद रखिएगा, देखिए विरूपाक्ष मंदिर शिव को समर्पित है, तो विट्ठल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और दोनों ही मंदिर कर्नाटक में है, ठीक है। इसका निर्माण भी विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो था हुआ था, और विट्ठल मंदिर का जो चित्र है ये हम्पी के प्रतीक के रूप में प्रत्येक जगह दिखता है, और यह 50 रुपए के नोट पर भी है। 50 रुपए का नोट अगर आप देखेंगे अभी जो नया नोट है उस पर क्या है, ये विट्ठल मंदिर का जो है फोटो दिया गया है हम्पी के प्रतीक के रूप में। एक और मंदिर जो यहाँ से पूछा जाता है, गोमतेश्वर मंदिर, ठीक है। गोमतेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है ये भी, ठीक है। कहाँ पे है? श्रवण बेलगोला, नाम आपने सुना होगा, एक तीर्थ स्थल है, श्रवण बेलगोला नामक एक तीर्थ स्थल है, जिसे बाहुबली मंदिर के नाम से भी जो है जाना जाता है। वहाँ पर जो है ये भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा है वो स्थापित है, ठीक है। वही यहीं पर है गोमतेश्वर मंदिर, ठीक है, ओके। इसके अलावा एक दो मंदिर और बच गया है, जैसे ये पूरी लिस्ट देखने के अलावा एक बार देख लेते हैं। एक और है मामा भांजा मंदिर। कौन सा मंदिर है? मामा भांजा मंदिर, जो कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये मंदिर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, और ये मंदिर जो है मामा भांजा ये भगवान शिव को ही समर्पित है, ओके। मतलब ऐसा माना जाता है कि मामा भांजा दो शिल्पकार थे जिन्होंने ये मंदिर सिर्फ एक ही दिन में जो है पूरा करने का काम मिला था, और उन्होंने जो है एक दिन में जो है इस मंदिर को बना दिया था, ठीक है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कामाख्या मंदिर, जहाँ पे हर साल कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला। ये पूछा जाता है अंबुबाची मेला कहाँ पे लगता है, तो अंबुबाची मेला लगता है कामाख्या मंदिर में। कहाँ पर है ये? असम में है, ठीक है। मलेच्छे वंश के जो राजा थे उन्होंने जो है कामाख्या मंदिर का निर्माण जो था करवाया था, ठीक है। और ये मंदिर जो है क्या माना जाता है? देवी जो सती है, देवी सती का जो है मंदिर इसको माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। असम के नीलांचल पर्वत पर जो है कामाख्या मंदिर स्थित है, ठीक है, ओके। बाकी जो मंदिर बचे वो हम इस लिस्ट में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, वैष्णो देवी मंदिर कटरा में, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जम्मू कश्मीर में। दूसरा मैंने अमरनाथ मंदिर बताया था, अमरनाथ यात्रा सभी को पता है, ठीक है। कहाँ पे है ये? पहलगाम में है, और जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यूपी की अगर हम बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये वाराणसी में है, यूपी में। और भगवान श्री राम मंदिर जो कि कहाँ पे है? अयोध्या में जो है बन चुका है, सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये भी यूपी में हो जाएगा। इसके अलावा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, ये नई दिल्ली में है। लोटस टेम्पल,
ये भी नई दिल्ली में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर अगर पूछा जाए तो कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। बद्रीनाथ मंदिर चमोली हमने पढ़ा था। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, दोनों पढ़ चुके थे हम। गंगोत्री मंदिर ये भी उत्तराखंड में है। देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ के अलावा गंगोत्री पूछा जाए, यमुनोत्री पूछा जाए, ये भी कहाँ पे हो जाएंगे? उत्तराखंड में हो जाएंगे। ये चारों आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है ये, ओके। ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। बाबा बालकनाथ का मंदिर अगर पूछा जाए तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है। हिडिंबा देवी का मंदिर मनाली हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण मंदिर कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। बिरला मंदिर जयपुर राजस्थान में है। करणी माता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करणी माता का मंदिर। ये देखिए करणी माता का मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस मंदिर को जो है चूहों का मंदिर भी जो है कहा जाता है। यहाँ पे ना आप जब देखेंगे तो चूहे जो है आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये करणी माता का मंदिर है जिन्हें चूहों का मंदिर भी जो है कहा जाता है। राजस्थान के बीकानेर में जो है स्थित है करणी माता का मंदिर, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात के वेरावल में है। द्वारकाधीश मंदिर की अगर हम बात करें तो भगवान शिव को समर्पित है, ये द्वारका गुजरात में है। चार धाम में जो है द्वारकाधीश मंदिर शामिल है। और द्वारका में ही जो है कौन सा मंदिर है, नागेश्वर मंदिर है। कहाँ पे? यहीं पर द्वारका मंदिर में ही है नागेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, ठीक है। उसके बाद है बहुचरा माता मंदिर, ये गुजरात के मेहसाणा में है। और जो बहुचरा माता है ये किन्नर समुदाय की जो है लोक देवी मानी जाती है बहुचरा माता, ठीक है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है ये नासिक में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। शिरडी साईं बाबा शिरडी महाराष्ट्र में है ये मंदिर। शनि शिंगणापुर मंदिर शिंगणापुर महाराष्ट्र में है। सिद्धि विनायक मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुंबई महाराष्ट्र में है। विडोबा मंदिर अगर पूछा जाता है तो पंडरपुर महाराष्ट्र में जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, विडोबा मंदिर, ठीक है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। 2014 में जो है यहाँ पे जो पहली बार महिला और पिछड़े वर्ग के जो पुजारी थी उनको जो है पूजा की अनुमति जो थी इस मंदिर में मिली थी, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर यानी कि 1000 पिलर मंदिर, ये हनामकोंडा तेलंगाना में है। रामप्पा मंदिर हमने ऊपर पढ़ाई था, वरंगल तेलंगाना में है ये, ठीक है। वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर तिरुमल्ला आंध्र प्रदेश में है। वाराहा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में है, वराहा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, ठीक है। चलिए मल्लिका अर्जुन मंदिर श्री शैलम मंदिर, ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। वीरभद्र मंदिर अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। विरूपाक्षर विठ्ठल मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। गोमतेश्वर मंदिर श्रवण बेलगोला कर्नाटक, ये मैंने बता दिया था आपको, ओके। मुरुदेश्वर मंदिर अगर पूछा जाता है तो कर्नाटक में है। सबरीमाला मंदिर, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबरीमाला मंदिर केरल में है, सबरीमाला मंदिर, ठीक है। चलिए पद्मनाथ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल। मीनाक्षी मंदिर, बार बार एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है मीनाक्षी मंदिर का, और डीएसएसबी में भी आ चुका है। ये मदुरई तमिलनाडु में है। नटराज का मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। रंगनाथ स्वामी मंदिर ये श्रीरंगम तमिलनाडु में है। वृदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तंजावुर के वृदेश्वर मंदिर पूछा जाता है तो तमिलनाडु में है। मुरुगन मंदिर तमिलनाडु में है। शोर मंदिर तमिलनाडु में है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश। देखिए आपको जो तमिलनाडु के मंदिर है और मतलब साउथ के तो लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो याद रखने हैं। सहस्त्रबाहु साशबहु मंदिर मैंने बताया था एमपी में हो जाएगा। महाबोधि मंदिर ये बिहार में है, ठीक है, याद रखना है महाबोधि मंदिर। मुंडेश्वरी देवी मंदिर भी बिहार में है। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पकोड़ा जिसको कहते हैं उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ में है। महामाया मंदिर छत्तीसगढ़ में है। दंतेश्वरी मंदिर छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद कामाख्या हो गया, नवग्रह हो गया, उग्रतारा हो गया, ये तीनों ही मंदिर कहाँ पे है, असम में है। सुंदरी और ऊनाकोटी मंदिर जो है ये त्रिपुरा में है। इसके अलावा मालीनाथ आकाशगंगा मंदिर अरुणाचल प्रदेश में है। नार्तियांग दुर्गा मंदिर मेघालय में है। किरांतेश्वर महादेव मंदिर सिक्किम में है। और दीमापुर काली बारी मंदिर ये नागालैंड में है। तो ये पूरी जो लिस्ट है ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें देखिए लास्ट के जो मोस्टली हमने पढ़े वो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, बट अगर आप देखेंगे जो भी साउथ के मंदिर हैं वो पूछे जाते हैं, चाहे वो मीनाक्षी मंदिर है, कोणार्क के मंदिर है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर है, शबरीमाला मंदिर है, ये बार बार जो है एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखने हैं। बाकी जो मैंने शुरू में बताए वो तो है ही इंपॉर्टेंट,
एक और क्वेश्चन जो है आता है तमिलनाडु के, जो तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर मैंने आपको बताया, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु का, ये रहा यहाँ पे, ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने बताया है। इसका निर्माण पूछा जाता है कि किसने करवाया था, ठीक है? तो इसका निर्माण करवाया था राजा राज प्रथम चोल ने, ठीक है? याद रखना है राजा राज प्रथम या चोल वंश ने जो था तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिरों का निर्माण करवाया था। वंश भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रणाम भी आपको देख सकते हैं, तो दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है? चलिए, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने सारे मंदिरों का पूछा है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दो तीन तरीके से पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। या तो डायरेक्ट मंदिर का पूछेंगे या डायरेक्ट वंश से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे कि किस वंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया या फिर किस भगवान को समर्पित है ये मंदिर, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन जो है तीन चार तरीके से जो है इस एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे देखिए कुछ और टॉपिक और हैं जो इंपॉर्टेंट बचते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बचता है। देखिए एक हमारा जो टॉपिक बचा है, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा बचा है आर्टिकल का बचा है, ठीक है? क्योंकि अगर हमने आर्टिकल पढ़ लिया तो पॉलिटी में से मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आर्टिकल से आते हैं, 2 से 3। तो आर्टिकल हमको पढ़ना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ताकि हमें जो चीज़ें हैं वो याद रह पाए, अदरवाइज पूरी लिस्ट अगर मैं लेके आऊँगी तो फिर उसमें से याद नहीं रहती हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ से डिटेल में थोड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? शुरू के जो कुछ भाग है, भाग 6 या 7 तक, वहाँ तक क्वेश्चन जो है थोड़ा डिटेल में पूछ लिए जाते हैं। बाकी के जो बचेंगे, संशोधन हो गया या फिर इमरजेंसी वाला हो गया, वहाँ से कुछ कुछ आर्टिकल ही पूछे जाते हैं, बट जो शुरू के हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो आर्टिकल पढ़ने ज़रूरी हैं। या 100 तक तो है ही इम्पोर्टेंट, ठीक है? क्योंकि इसी में फिर आपका जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये सारे कवर हो जाते हैं। और फिर मौलिक अधिकार, नागरिकता, इसके अलावा राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है 100 तक तो इम्पोर्टेंट है ही, वो तो आपको पता होने ही चाहिए। उसके अलावा फिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेंगे वो भी जो है कवर कर लेंगे। तो एक टॉपिक हमारा आर्टिकल यहाँ पे स्टैटिक जीके का बनता है, और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है जनगणना का। ये दो हैं ऐसे टॉपिक जो हमें डिटेल में पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ और छोटे छोटे अगर टॉपिक होंगे जो हम एक में कर पाए, जितने 4 से 5 एक में होते हैं तो वो कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से जो है हम अपना पूरा पूरा जो है कवर कर लेंगे। लेकिन ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अभी बचे हैं, एक आर्टिकल जनगणना, पंचवर्षीय योजना छोटा सा है क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यही पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कौन से पे कौन सा मॉडल आया, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा नहीं है, वो जब हम 4 से 5 एक साथ टॉपिक करेंगे तो पंचवर्षीय योजना उसमें हो जाएंगी कवर। लेकिन जो दो डिटेल में पढ़ने ज़रूरी हैं वो है आर्टिकल और जनगणना, ये दो टॉपिक जो हमारे डिटेल में रहते हैं, तो इन्हें हम कवर कर लें। उसके बाद जो है हम छोटे छोटे टॉपिक एक साथ कवर कर लिया करेंगे किसी भी वीडियो में, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।